बहुत ही गंभीर विषय पर बहस चल रही है, मैं सुन रहा था सभी को। सबसे पहले तो मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि सत्ता पक्ष कांग्रेस पक्ष के शासन के दंगे गिना रहा है, इधर वाले उनके दंगे गिना रहे हैं। ये कोई मुकाबला नहीं है कि किसके शासन में कितने दंगे हुए। दंगे चाहे बीजेपी के शासन में हो, चाहे कांग्रेस के शासन में हो, उसमें मरता इंसान है। तो जो दिल्ली में हुआ पूरे देश ने देखा। इनके बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा डीसीपी को छरियां बोल रहे थे, वीडियो उसका दस्तावेज है कि आपकी जरूरत नहीं है, हम खुद निपट लेंगे। उसको उसी वक्त क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, उसको उसी वक्त उस पर एफआईआर क्यों नहीं की गई। और तीन दिन तक दिल्ली की पुलिस क्या कर रही थी, जब दिल्ली की पुलिस ने आम आदमी पार्टी के किसी एमएलए पर कुछ झूठा मुकदमा करना होता है तो एकदम से आ जाते हैं, आधे घंटे में चुने हुए मुख्यमंत्री के घर पे छापा मारने आधे घंटे में पहुंच जाते हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री के दफ्तर में पहुंच जाते हैं, तब बड़ी तेजी दिखाते हैं। इस वक्त तीन दिन क्यों लावार छोड़ दिया गया दिल्ली के जमुना पार इलाके को। पहले 84 में तीन दिन फौज नहीं गई थी, अब तीन दिन पुलिस नहीं गई। देखिए इसमें हिंदू भी मरे हैं, मुस्लिम भी मरे हैं। हिंदुओं की दुकानें भी जली हैं, मुस्लिमों की भी दुकानें जली हैं। जब चुनाव प्रचार चल रहा था महोदय, मैं भी चुनाव प्रचार कर रहा था दिल्ली में, हम लोग बात कर रहे थे स्कूलों की अच्छी शिक्षा की, हम लोग बात कर रहे थे मोहल्ला क्लिनिकों की, हम लोग बात कर रहे थे फ्री इलाज की, हम लोग बात कर रहे थे बिजली की पानी की, हम लोग बात कर रहे थे औरतों की सुरक्षा की, हम लोग बात कर रहे थे जो दिल्ली की डेवलपमेंट की। और ये लोग बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे, कोई कह रहा था गोली मारो सालों को, कोई कहता था आतंकवादी है, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आतंकवादी कहा गया, और कपिल मिश्रा कह रहा था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, क्या ये कोई मैच हो रहा था। अगर गृह मंत्री कह रहे हैं इतनी जोर से बटन दबाओ क्रांति शाहीन बाग तक जाए, अगर गृह मंत्री ने बोलना ही था तो ये कहते कि इतनी जोर से बटन दबाओ क्रांति आम आदमी पार्टी को लगे, क्रांति कांग्रेस को लगे, ये शाहीन बाग का क्या मतलब हुआ। तो ये इन्होंने कानून बनाया है, और अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं आप वहां शाहीन बाग क्यों नहीं गए, भाई कानून तो आपने बनाया है, विरोध आपके कानून का हो रहा है, तो हमारा क्या उसमें लेना देना, पुलिस तो हमारे पास भी नहीं है ना। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, एक ही रंग के पत्थर है पूरे इलाके में, एक ही रंग की गुलेल है। बाहर से गुंडे लाए गए, उनको एक स्कूल में ठहराया गया, उनके खाने पीने का प्रबंध किया गया, और वो रात को आते थे काम करके अपना फिर सुबह चले जाते थे। ये स्पॉन्सर दंगे हैं क्योंकि इनको दंगे करवाने आते हैं। इनके पास तजर्बा है गुजरात का, इनके पास तजर्बा है मुजफ्फराबाद का, इसके इनके पास तजर्बा है, ये दंगे करवाते हैं। वो एक मैं और बोलूंगा, कोई बात नहीं, बोलते रहो तुम, मुझे कोई परवाह नहीं, बोलते रहो तुम। हाँ, देखो अभी तक गृह मंत्री वहां नहीं गए। योगी जी मुख्यमंत्री, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री यूपी के योगी जी यहाँ पे आके कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है। अध्यक्ष महोदय मुझे ये बता दीजिए, क्या कोई आतंकवादी स्कूल बनाता है, क्या कोई आतंकवादी मोहल्ला क्लिनिक खुलवाता है, आधा मीटर सर, और क्या कोई आतंकवादी किसी फौजी जवान की शहादत पर, और जब किसी दिल्ली के पुलिस वाले की ड्यूटी दौरान शहादत के बाद 1 करोड़ रुपए का चेक लेके जाता है, तो दिल्ली वालों ने बता दिया इलेक्शन में कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी नहीं, उनका बेटा है, उनका भाई है। और मैं कंपनसेशन की बात करता हूँ सर, 10 लाख रुपया दिल्ली गवर्नमेंट उनको दे रही है जिनके यहाँ मौत हो गई, और 5 लाख रुपए पर फ्लोर जिनके घर जल गए। अगर 4 फ्लोर का घर है तो 20 लाख मिलेगा, किराएदार को भी 1 लाख रुपया उसके सामान का मिलेगा, 2.5 लाख रुपया जो पार्शली घर जले उनका मिलेगा। आज दोपहर तक महोदय 6 करोड़ रुपया हम मुआवजे के रूप में बांट चुके हैं। मैं यही कहूंगा आखिर में कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। आज लगता है कि हमारा देश में नीरो आ गए, जब दिल्ली जलते थे तो मुरली लेकर हमारे नीरो चले गए गुजरात में अहमदाबाद में, और प्रेसिडेंट ट्रंप की मेजबानी करने के लिए, ये तो देख रहे हैं हम। अरे कहा की नहीं, हामिद अंसारी साहब
हामिद अंसारी साहब टीवी में बोलते हैं आशीष सिंह एक इंटरव्यू लेते थे हामिद अंसारी साहब को, वो कह रहे थे कि ये ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस है। उन्होंने ये भी जिक्र किया जब नादिर शाह दिल्ली में आए थे तो अपना तलवार 3 दिन निकल के रखे थे और कह दिया था कि 3 दिन तुम जो करना है कर लो, उसके बाद हम तलवार उठाएंगे। मैं तो ये नहीं कहता कि अमित शाह जी का साथ नादिर शाह का कोई तालुका था, जरूर नहीं कहता, क्योंकि डीएनए टेस्ट करने का हमारा कोई साधन नहीं है, और वो भी खासकर अमित शाह जी एक वैष्णव धर्म के विश्वासी है। लेकिन जरूर ये कहूंगा ये 3 दिन जो लगातार दिल्ली में दंगा हुआ था उसमें आपका क्या जिम्मेवारी थे, आपका आपका दोस्त हाथिया बिहार मंत्री उनका भी क्या जिम्मेदारी थी, वो कहां थे, आपका बड़े बलवान जहांबाज एमपी थे एमएलए थे वो कहां गए थे, सदन में आके बड़ा बड़ा बात जो करते हैं यहां की एमपी दिल्ली वालों की, वो क्या भोजपुरी गाना गाने चले गए थे, वो कहां थे, आपके यहां जो एमपी दिल्ली के एमएलए दिल्ली के कहां गए थे, क्यों गुम हो गए थे। चुनाव जब आते हैं गली गली जाते हो चुनाव में भीख मांगने के लिए, और जब खतरा पैदा होते हैं तब किसी को पास नहीं जाते, बाजा सब जानते हैं पिछले चुनाव में जो जो इलाके में दंगा हुई है उस इलाके में बीजेपी की उतना अच्छा वोट नहीं मिला, बीजेपी की वोट नहीं मिला, बस इसके चलते कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं, आप समझे। तो इसका मतलब ये लापरवाही, आपका लापरवाही दिल्ली के इस दंगे के सबसे बड़ा वजह होते हैं आपका लापरवाही। आप कहते हैं कि हम हिंदुस्तान को सारे दुनिया में शिखर में पहुंचाऊंगा, बाद बात में पाकिस्तान को उड़ा देते हैं, टेररिस्ट के खिलाफ आवाज उठाते हैं, हम भी समर्थन करते हैं आपको, टेररिस्ट को खत्म करो, पाकिस्तान की किस तरीके की हरकत को किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आप खुद सोचो कि जब हम हिंदुस्तान से जाकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक करते हैं उसकी हिम्मत हमारा है, तो हम दिल्ली की दंगा को क्या रोके नहीं सकते थे, बताओ आप। और वो भी खास दिल्ली में, वो भी खास दिल्ली में हमारे नेशनल कैपिटल में, और वहां हर दिन भड़काऊ भाषण चलते हैं, हेट स्पीचेस हमारे हिंदुस्तान में एक बात बन गई है कि हेट स्पीचेस, किसने हेट स्पीचेस देते हैं, किसने दिया है हेट स्पीचेस, फटकरा लगाते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट फटकरा लगाते हैं आपको, आपको हाई कोर्ट फटकरा लगाते हैं, क्यों, आपका अगर गलती नहीं है तो यह किसके गलती है। आज दिल्ली में दिल्ली की जब न्यायाधीश जब आपको पार्टी के खिलाफ फटकरा लगाते हुए पुलिस को कह रहे हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लो, तो रातों रात तबादला हो जाते हैं, ये क्या होते हैं, ये मिडनाइट सर्जिकल स्ट्राइक होते हैं जुडिशियरी पे, मिडनाइट सर्जिकल स्ट्राइक ऑन जुडिशियरी, रातों रात तबादला क्यों। उनका गलती क्या था, उनका गलती ये था कि आपको जाने माने नेता के खिलाफ जो भड़काऊ भाषण देने में माहिर है, जो भड़काऊ भाषण देने में माहिर है, आज तो सारे हिंदुस्तान में एक नारा लग गया गोली मारो सालों को, क्या ये हमारा सीना चौड़ी करते हैं, बताओ, ये क्या हमारे लिए गर्व महसूस करने का मुद्दा है, बताओ, अगर नहीं आए आप इनके खिलाफ एक शब्द क्यों नहीं जिक्र करते, एक शब्द क्यों नहीं उल्लेख करते हैं। सर द गवर्नमेंट साइड से बिना इनफ फोर्सेस, व्हाट इज सेक्शन 39 ऑफ द दिल्ली पुलिस एक्ट 1978, द एलजी हैज इनफ पावर्स टू कॉल द आर्मी, मेनी इंक्वायरी कमीशन हैव सेड वेरी क्लियरली दैट इफ अ कम्युनल कार्नेज कंटिन्यूज फॉर मोर देन 24 आवर्स इट इज अ प्री प्लान प्रोग्राम वेर इन द स्टेट नॉट ओनली अबेट्स द मॉब्स बट इट इज द पुलिस विल प्ले मेजर रोल इन द डिस्ट्रक्शन एंड द कार्नेज, टू कॉल इट अ कम्युनल राइट इज अ जोक, दिस इज अ प्रोग्राम सर एंड इट हैज टू बी कॉल्ड इन दैट वे ओनली। सर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन दिस प्रियम्बल टॉक्स अबाउट फटर्निटी बट इट सेज फटर्निटी मस्ट एश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, वॉट इज माई डिग्निटी आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, डू यू हैव एनी रिमोर्स
on your faces? Do you have any embarrassment for what has happened right under you? No. You have no embarrassment. You take pride on the dead bodies which are now lying in the nalas of Delhi. Sir, the constitution talks about fraternity and it says fraternity also the dignity of individual. What is my dignity? When my 19 masjids have been destroyed or damaged, four cylinders have been put inside a masjid and the masjid burned, what is my dignity when I see a saffron flag being erected on my masjid? What is my dignity when a boy called Faizan was being shot dead and he was forced to recite Jangan Man? What is my dignity if an 85-year-old Akbari Begum was burned alive? What is my dignity if 1,000 Muslims' homes have been burned? What is my dignity, sir, when children have become orphaned? Where is the dignity? Please show me where is the dignity. Do you have any humanity left in you? For God's sake, show your humanity. This is not a question. This is not a question of Hindu or Muslim. This is a question of whether you will rise up to your constitutional duty. Sir, the Prime Minister showed his emotion. The Prime Minister, in fact, cried when a lady called him an incarnation of God. What kind of a God is my Prime Minister whose heart never beats, whose eyes never cry for what has happened in Delhi? He cannot be called a God. He cannot be called a Prime Minister as well. It is not the problem. This government must go. And I appeal to the people of India, especially my Hindu brethren, save the soul of this country. It is now your responsibility. You save the soul of this country. Sir, let me also point out to you, that what about videos of police? Why haven't even government officially announced that 54, 59, 60 people have died? Why hasn't the Honorable Home Minister said so many boys have been arrested? And you know what, sir, right now, I say with responsibility, 1,100 Muslims are in illegal detention. The police is taking rishwat. The police is taking bribes. Where is the investigation? Do you want the Muslims to be radicalized? You have radicalized your Hindu community. Please don't radicalize us. We don't want to join ISIS. We are fighting them. We will die saving this constitution. We will hold the constitution dear to us. And why is it I am being, sir, why is it that I am being penalized? Because I am saving the constitution. That is my only crime. I was saving the constitution. I was reading the preamble. I was ensuring that constitutional rights are given to me. That is the crime which this government is punishing me for. And that is why you see this carnage has happened. This, sir, this ghost, this Frankenstein which you have created, believe me, this will engulf. Let me put on record and say, sir, I want to thank the Sikh community. I want to thank Mr. Baghel, who suffered 70% injuries, burn injuries, and saved 7 Muslim lives. These are small lamps burning in the tsunami of Hindutva hate, which has engulfed our country, sir, which will destroy our country. This government wants to do that, but we will protect ourselves. 17 crore Muslims will lay down their lives. If possible, we'll build our graves over here, but we will not allow this carnage to continue, sir. 36 ghante ke andar इसको शांत करने में दिल्ली पुलिस सफल रही है। 36 घंटे के अंदर क्या हुआ इसको मैं अंडरमाइन नहीं करा, दादा मैं आपको देखकर ही पहले कहते, मैं अभी नहीं पूछ सकते आप। मान्यवर मैं अभी भी कहता हूं कि मैंने सबको सुना है, मैंने सबको धैर्य से सुना है, कहीं मैं खड़ा नहीं हुआ। सत्ताधारी पक्ष के सदस्य कुछ टोका टोकी करते थे तो भी मैंने रोका। कृपया आप मुझे सुनिए, गंभीर चर्चा है, आपको मेरे बारे में सवाल उठने का अधिकार है और आप उठा सकते हो, परंतु तथ्यों के साथ तोड़फोड़ करने का किसी को अधिकार नहीं। उन्होंने कहा कि मैं वहां ट्रंप के कार्यक्रम में बैठा था। माननीय श्रीमान ट्रंप का कार्यक्रम पहले से तय था, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में था, मेरा जाना भी पहले तय था और मैं अगले दिन गया। उस वक्त कोई घटना नहीं, दो बज और माननीय मैं यहां पर 6:30 बजे आ गया। उन्होंने कहा कि ताजमहल गए, मैं कोई ताजमहल बाजमहल नहीं गया, सीधा
दादा सुनिए ना, काफी सारे लोग बोले, मैं सीधा यहां है। उसके बाद दूसरे दिन राष्ट्रपति भवन पर ट्रंप की, श्रीमान ट्रंप की अगवानी हुई, मैं नहीं गया था। दोपहर को लंच हुआ, मैं नहीं गया। रात को डिनर हुआ, नहीं गया। डिनर में भी नहीं गया हूं, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हो दादा। पूरा समय मैं दिल्ली पुलिस के साथ बैठकर ये कैसे आगे न फैले और कैसे कंट्रोल हो इसकी माननीय 24 तारीख की शाम को 7 बजे ही। अरे आप शांत, आप मान्यवर, आप चालू। 24 तारीख की शाम को 7 बजे, 25 की सुबह 8 बजे, 25 की दोपहर सर्वदलीय बैठक के अंदर जिसमें कांग्रेस, आप पार्टी सब थे, 25 की शाम को 6:30 बजे तक ये सारी रिव्यू मीटिंग मेरी अध्यक्षता में हुई। मैंने ही एनएसए का सवाल उठाया। मैं ये पूरे सदन के माध्यम से देश भर को कहना चाहता हूं, जब दंगे होते हैं तब किसकी क्या जिम्मेदारी होती है वो नहीं देखते। मैंने ही श्री अजीत डोभाल को विनंती करी थी कि आप जाइए, पुलिस का मनोबल बढ़ाइए, और मेरी ही विनंती पर वो वहां गए। दूसरी बात, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा सीआरपीएफ भेजनी चाहिए थी, हजारों की संख्या भेजनी चाहिए थी। कोई सदस्य सुझाव कर सकता है क्योंकि उनके पास शायद इंफॉर्मेशन न हो। मेरा भी दायित्व है कि पूरी इंफॉर्मेशन से मैं उनको अवगत कराऊं, इसलिए मैं सारी चीजों को कह रहा हूं। हजारों की संख्या में भेज देना चाहिए था, देरी नहीं होनी चाहिए थी। कुछ लोगों ने कहा मिलिट्री ला देनी चाहिए थी। मान्यवर 22 तारीख को और 23 तारीख को 17 कंपनी दिल्ली पुलिस की, 13 कंपनी सीएपीएफ की, कुल 30 कंपनी एक क्षेत्र में पहले से ही वातावरण को देखते हुए हमने रखी थी। बाद में मैं आता हूं वातावरण क्यों ऐसा हुआ उसको। 24 तारीख को टोटल 30 के प्लस और 40 कंपनियां भेजी, 25 तारीख को और 50 कंपनी भेजी, और 26, 27, 28, 29 से टोटल 80 से ज्यादा कंपनियां वहां पर तैनात है, आज तक तैनात है। स्ट्राइकिंग फोर्स भी बनाए गए हैं, ब्रज साधन के भी स्ट्राइकिंग फोर्स बनाए गए हैं, वाटर कैनन के भी स्ट्राइकिंग फोर्स बनाए गए हैं, और मुस्तैदी से गुनहगारों को पकड़ने की भी व्यवस्था शुरू कर दी गई है। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.